भिक्षाम देही। प्रणाम साईं। राम जी भला करे, पर आज अनाज नहीं। अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हों जो उपयोग में ना आ रहे हो तो वो दे दीजिए। ठीक है साईं, देखती हूँ। राम जी भला करे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। और कितनी देर लगाएगा अपने लिए एक फल चुनने के लिए? देख, हमने अपने लिए संतरे ले भी लिए। जल्दी से, मुझे अंगूर चाहिए। दे भाई, जल्दी दे। जल्दी चलो, कहीं द्वारका माई में भीड़ ना हो जाए। साई, ये सब किस लिए? इनसे मैं गुदड़ी बनाऊंगा। अच्छा, क्या हम भी देख सकते हैं? सिर्फ देखोगे ही या मेरी मदद भी करोगे? बैठ जाओ। प्रणाम साई। राम जी भला करें। आपके बारे में बहुत सुना है, बड़ी दूर से आए हैं हम मन्नत लेके। हमारे बेटे पूरब के लिए आपकी मदद चाहिए। कैसे हो पूरब? थोड़ा संकोची है। बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है ये साईं। उस समय हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। गांव में मिठाइयां बांटी, जश्न मनाए। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, हमने ये महसूस किया कि ये और बच्चों की तरह नहीं है। ना ही वैसी सतर्कता है और ना ही वैसी जागरूकता। बैठने, खड़े होने, यहाँ तक कि बोलने में भी इसने और बच्चों से ज्यादा समय लिया। और लगभग 3 साल के बाद तो इसने बोलना शुरू किया। लेकिन असली मुश्किल तो अब हो रही है, जब से ये पाठशाला जाने लगा है। तब हमें एहसास हुआ कि इसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है और सीखने की गति भी धीमी है। अक्सर इसकी शिकायतें करते रहते हैं इसके अध्यापक। साई, हमारी मदद कीजिए। हम यहाँ बहुत उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। इलाज तो होगा, जरूर होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सूखे पत्तों की जरूरत है। आप लोगों को सूखे पत्तों का ढेर ढूंढकर मुझसे कुछ सूखे पत्ते लाने हैं। पर हां, एक बात याद रहे, वो पत्ते पूरी तरह से बेकार होने चाहिए। किसी इंसान, किसी पशु पक्षी के काम ना आ रहे हो।
सूखे पत्तों से इलाज? साई के बारे में यही तो सुना है कि इनके इलाज करने का तरीका अनोखा होता है लेकिन असरदार होता है। चलो हम जल्दी से सूखे पत्तों को लेकर आते हैं। पूरब बेटा, आई बाबा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम यही साई के साथ रहना। नहीं आई, मुझे भी आपके साथ जाना है। बेटा बाहर बहुत ज्यादा धूप है, हम जल्दी लौट आएंगे। घबरा मत पूरब, हम लोग हैं ना तेरे साथ, यहीं रुको, बड़ा मजा आएगा। वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम् कृष्ण, त्वहम् शरणम् गते। तुम्हें अपने हाथ के रक्त को इस अग्नि में अर्पित करना होगा। अगर तुम मुझे आज ही नहीं बना सकती, मेरी कुल की वृद्धि करने वाली संतान मुझे नहीं दे सकती, तो कोई बात नहीं, मुझे मजबूरन मेरे बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। चंपा को इतना सब बोल तो दिया, लेकिन क्या ये सही रहेगा? लोग क्या कहेंगे? पर क्या सच में मैं उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आई ऐसा भी कह सकती है, और ये तब जब मैं उनकी हर बात मानती आई हूं। ऐसा बर्ताव क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें खानदान का चिराग नहीं दिया? क्या इस घर में मेरा अस्तित्व सिर्फ इतना ही है? मुझे चंपा से बात करनी चाहिए, वो भी शांत मन से, ठंडे दिमाग से। तुम पर जो बीत रही है उसका अंदाजा है मुझे। लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और आई के बोलने से क्या होता है? अंतिम निर्णय तो मेरा है। और तुमने सुना ना मैंने आई से क्या कहा? और हाँ, अब से कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आई के बताए हुए किसी भी उपाय को करने की। जैसा साई ने कहा है, हम उस आम के पेड़ को पानी देंगे और श्रद्धा रखेंगे। अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, भूख लगी है। चोरू का गुलाम बन गया तेरा बेटा, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों तेरी एक बात भी नहीं सुनेंगे। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चल मेरे साथ। क्यों? मैं क्यों जाऊंगी बोरिया बिस्तरा बांध के? ये मेरा घर है। लेकिन कब तक? जिस तरह तेरा बेटा तेरा आंचल छोड़ के बीवी के पल्लू से बंधा है, उसका पक्ष लेता है, उसे देखकर नहीं लगता कि तू इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान है? तेरे बेटे को वश में कर लिया है उसने, जल्दी ही तुझे इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी, तो उसे रोकेगा कौन? वैसे जीजाजी तो हमेशा घर से बाहर रहते हैं, तो तेरा पक्ष लेने वाला इस घर में है ये कौन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर चंपा सोचती है
कि वो अपने घड़ियाली आंसुओं से मेरे बेटे को फंसा लेगी, अपने पक्ष में कर लेगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किसके विरुद्ध जाने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि खून के रिश्ते से बड़ा और कुछ नहीं होता। लेकिन तुम करोगी क्या? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वादा करती हूं आज रात होने से पहले चंपा को इस घर से जाना होगा। ए भैरो, बाहर निकल। भैरो बाहर निकल। भैरो बाहर आ। ए भैरो, चल बाहर निकल। भैरो, ए भैरो बाहर निकल। इस पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु की अपनी उपयोगिता है। यहां तक कि बेकार सी दिखने वाली वस्तु को भी उसके स्वरूप में परिवर्तन करके काम में लाया जा सकता है। देखो इन फटे पुराने कपड़ों को, इनके स्वरूप में परिवर्तन करके मैं गुदड़ी बना रहा हूं। हमें सूखे पत्तों का ढेर कहाँ मिलेगा? अगर साई ने हमें सिर्फ सूखे पत्ते लाने के लिए कहा होता तो अब तक हम उसे चुनकर जमा भी कर लेते। क्या? वो देखो, यहाँ आओ ना। वहां अकेले क्यों बैठे हो? हमारे साथ बैठो। पूरा वहां उस टोकरी में रुई रखी है, जरा ले तो आओ। चिंदी निकाल लाओ। पूरब, उस टोकरी में से काला धागा ले आओ।
शुक्रिया। इससे पहले कि हवाएं जल्दी से पत्ते उठा लेते हैं। रुको, ये पत्ते मैंने जमा किए हैं खाद बनाने के लिए। माफ करना भाऊ, हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं। साईं ने हमें उन पत्तों को लाने के लिए कहा है जो किसी के इस्तेमाल में ना हो, यानी बेकार हो। लेकिन किसे पता था कि सूखे पत्ते ढूंढ करके ले जाना इतना मुश्किल भरा काम होगा। मुझे तो लगा था कि सूखे पत्ते कहीं भी मिलेंगे, वो तो बेकार ही होते हैं। लेकिन अब मैं पूरब के इलाज के लिए पत्ते ढूंढ के ही रहूंगी। चलो चल चल, पहले केस निकाल। लेकिन अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। एक साल से अधिक हो गया सरकार के साथ काम करते हुए, और अभी तक जान नहीं पाया कि जब कोई सरकार से ऋण लेता है तो उसकी अदायगी के नियम सरकार तय करते हैं, कर्जदार नहीं। सरकार ने पहली किस्त मांगी है अभी। अगर तेरे बाबा यहाँ पे होते तो इन्हें पैसे दे सकते थे। अब अचानक पैसे कहाँ से दें? ये तो तुम्हारी समस्या है, हमें तो पैसे चाहिए पैसे। और अगर पैसे नहीं दे सकते तो किस्त के बराबर कोई भी सामान दे दो। इस बार हम दया कर देते हैं। और अगर हमें पैसे नहीं दिए तो घर का एक भी सामान सलामत नहीं रहेगा। हे खंडोबा, अब क्या करें? अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? पैसे निकालो पैसे। मैं अपना सब कुछ बेचकर आप लोग को आपका मेहमताना दे दूंगा। कृपा करके मेरी बात सुनिए। अब सबने मेरे पति के साथ लंबे समय तक काम किया है। अब सबने देखा होगा कि कैसे मेरे पति ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना लड़ाई झगड़ा किए पैसे वसूले हैं। ऐसे मार पीट करके, तोड़ फोड़ करके क्या होगा? सरकार को पैसों से मतलब है, ना कि मार पीट से। इसलिए आप हमें शाम तक का समय दीजिए ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सके। हमें सरकार ने पैसे लाने के लिए भेजा है, इंतजार करने के लिए नहीं। देखिए, अगर आप हमें शाम तक का समय देंगे तो हम ब्याज के साथ साथ मूल राशि का आंशिक भुगतान भी कर देंगे। सोच लीजिए, सरकार को ज्यादा खुशी किससे मिलेगी, पैसों से या मारपीट करके? इसकी बात में दम है। सरकार ने कहा था कि खाली हाथ मत आना। अगर हम बिना मारपीट किए पैसा वसूल करते हैं तो सरकार हम पे बहुत खुश होगी। ठीक है ठीक है, हम शाम को आएंगे। लेकिन हमें शाम को पैसे नहीं मिले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए पंता जी। चलिए अंता जी। ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या जरूरत थी अपना बड़ा मुंह खोलने की? क्या मैं मर गई थी? और ये बता मुझे, तू ये पैसे कहां से आएंगे? और वो भी केवल सूद नहीं, मूल भी। आई, पैसे आ जाएंगे, मैं अपने गहने बेच दूंगी। तुम ये क्या कह रही हो, अपने गहने?
मेरे पास जो गहने हैं वो मुझे इस घर से तो मिले हैं। इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर मुझे वो गहने बेचने भी पड़े तो ऐसा करके मुझे खुशी होगी। वैसे भी हम सोने चांदी में निवेश इसलिए करते हैं ताकि जरूरत के समय काम आए। इससे ज्यादा जरूरत कब होगी? चंपा, सच में तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो अपने गहने कभी नहीं देती। हम जिस परेशानी में उलझे हुए थे तुमने तो बड़ी आसानी से उसे सुलझा दिया। ठीक है, मैं जौहरी को लेकर आती हूँ जिससे बरसों से लेन देन है। जेवरात उसी ने बनाए हैं तो अच्छे दाम देगा ना, है ना? मैं जाती हूँ। साई, मैं ये कपड़ा, रुई और ये धागा ले लूं? हाँ थोड़ा, क्यों नहीं? चंपा, ले बेटी, तिजोरी में से हार लिया। ये लीजिए। अरे अच्छे से देख तो लीजिए, ये तो जरूरत पड़ी इसलिए बेच रहे हैं। और आपकी मेहरबानी है, आप ये हार फिर से खरीदने को तैयार हो गए। कमला ताई, बरसों की पहचान है आपसे, और जैसे आपका भरोसा है मुझ पर वैसे मेरा भी भरोसा है आप पर। और अपने ही बनाए जेवरों को क्या परखना। फिर भी ताई, पुरानी ग्राहक है आप मेरी, और अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूं, समय मिलने पर मैं दुकान में परख लूंगा। ये रहे 50 रुपए। अच्छा ताई, मैं चलता हूं। भैरू, इधर आ बेटा, ले ले बेटा, सरकार को देख क्या। हाँ जी। अच्छा, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कभी, जो मुझे तुम मिली। आता हो। देखा कमला? तुम क्या बना रहे हो पूरा? उसे बनाने तो पूरी।
क्या ये पत्ते आपके किसी काम के हैं? हाँ, ये हमारी रोजी रोटी है। इन्हीं पत्तों से हम पत्तल बनाकर इससे पैसे कमाते हैं और भोज में, त्योहारों में, शादी ब्याह के अवसरों पर इन्हीं पत्तों से बने पत्तल पर लोग खाना खाते हैं। लेकिन आप हमें ये टूटे हुए पत्ते तो दे सकती है ना? नहीं, ये भी नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हम अपना चूल्हा जलाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि सूखे पत्ते भी इतने काम के होते हैं। क्या आप हमें इनमें से कुछ पत्ते बेच सकती हैं? वैसे भी आप इन पत्तों से पत्तल बनाकर पैसे ही कमाने वाली है। पत्तल के भाव में हम ये पत्ते खरीद लेंगे, आपकी मेहनत भी बच जाएगी, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। माफ कीजिए वहिनी, कोई और दिन होता तो दे भी देते, लेकिन आज मारुति मंदिर में विशेष आरती है और ये पत्तल हमें वहाँ देना है। और बात पैसों की नहीं है, जुबान की है। हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते, और मंदिरों से ही हमें रोज नियमित काम मिलता है ना। फिर अगर हम ये आपको दे देंगे तो उधर हमें मुसीबत हो जाएगी। कहीं भी सूखे पत्तों का ढेर नहीं दिख रहा है। ये लो, संतरा खा लो। तो ये तो बहुत खट्टे हैं। सच में बहुत खट्टा है। रुको, मकड़ी का जाला टूट जाएगा। याद है ना साई ने क्या कहा था? वो पत्ते पूरी तरह से बेकार होने चाहिए, किसी इंसान किसी पशु पक्षी के काम ना आ रहे हो। चलिए कहीं और ढूंढते। हाँ हाँ साई, समाज में आपकी इज्जत रही होगी, लेकिन आज उसी समाज के लोगों को पता चलेगा कि कमला ताई चोर है। चोर सर जी। अरे ऐसे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। विश्वास नहीं होता तो ये लो हार, और किसी भी जौहरी से इसकी जांच करा लो, कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा इसकी। अरे मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारी आई बार बार बोल रही थी कि इसकी अच्छी तरह जांच कर लीजिए, लेकिन मैंने भरोसा दिखाया। तुम्हारी आई को अच्छी तरह पता था कि उनके सामने मैं इसकी जांच नहीं करूंगा, और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। आजकल के अच्छे घर के लोग भी धोखाधड़ी करने लगे हैं, और तुमने सही कहा था, मेरी आई चोरी नहीं कर सकती। तुम्हारी आई ने दिन दहाड़े लूट मचा रखी है, लूट। सेठ जी अपने शब्द वापस ले लो, वरना। ले लूंगा मैं अपने शब्द वापस, पहले मेरे पैसे दे दो, क्योंकि जो नकली हार इन्होंने मुझे बेचा था वो मैंने तुम्हें वापस दे दिया है। पैसे?
पैसे तो हमने सरकार को दे दिए। वो मैं कुछ नहीं जानता ताई, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। या तो मेरे पैसे दीजिए या फिर वो असली हार मुझे दीजिए जिसकी मैंने आपको कीमत चुकाई है। असली हार? अरे वो हार तो चंपा ने आपको दिया है। अरे ताई, चंपा ने मुझे जो हार दिया है वो नकली है। आप मेरे पैसे वापस कीजिए नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। बुलाइए, हम नहीं डरते।